वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विक्रम और इस ट्यूटोरियल में हम डेटाबेस का कनेक्शन फाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। होपफुली आप लोग XAMPP यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप XAMPP यूज़ कर रहे हैं तो सी ड्राइव में XAMPP के वेब रूट डायरेक्ट्री में आप चले जाएं और डिफ़ॉल्ट STDOC होता है, वहाँ पर हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डेमो नाम से। ऑब्वियसली आप कोई भी नाम दे सकते हैं और अपने टेक्स्ट एडिटर में एक न्यू फाइल क्रिएट करें, उसे सेव कर दें। होपफुली वो डेमो फोल्डर में ही होना चाहिए। अब मैं उसे सेव नाम दे देता हूँ कनेक्शन.php। सबसे पहले PHP ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, उसके बाद लिखते हैं कनेक्शन डॉलर कनेक्ट इक्वल्स टू MySQL कनेक्ट, और ये फंक्शन तीन पैरामीटर लेता है, पहला होस्ट नेम, दूसरा यूज़र नेम, तीसरा पासवर्ड। होस्ट यहाँ पे लोकल होस्ट है, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट, और चूंकि मैंने कोई पासवर्ड नहीं रखा इसलिए इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और डाइड कुड नॉट कनेक्ट। ठीक है, इनकेस अगर ये MySQL कनेक्ट नहीं हो पाता है तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन फाइल क्रिएट हो गया। आप इसे डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके लिए लेते हैं $DB MySQL सेलेक्ट DB। ये डेटाबेस का नाम लेते हैं और यहाँ पे डेटाबेस का नाम पेजिनेशन है। होपफुली या ठीक है, डन। तो चलिए एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसे मैं सेव कर लेता हूँ इंडेक्स के नाम से। इंडेक्स डिफ़ॉल्ट पेज होता है किसी वेब ब्राउज़र का। तो चलिए कनेक्शन फाइल को चेक कर लेते हैं PHP, और इस फाइल को हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। इसके लिए लिखते हैं इंक्लूड और फाइल का नाम, आप सिंगल कोड या डबल कोड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, connection.php। ठीक है, तो चलिए इसे, अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ये ब्लैंक पेज हमें दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब MySQL कनेक्ट हो चुका है। इन केस अगर इसमें कोई एरर हो तो चलिए इसमें कोई एरर ला देते हैं, जैसे कि मेरा पासवर्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें हम पासवर्ड दे देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि ये एरर ये दिखाएगा। तो देखिए ये वार्निंग MySQL कनेक्ट, ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि पासवर्ड में कुछ एरर है। ठीक है, ये देखिए पासवर्ड यस, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम ये क्यों लिख रहे हैं। और ये एक चीज़ और यहाँ पे, ये देखिए वार्निंग, और ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मुझे बता रहा है, जैसे लाइन 2 में पासवर्ड मिसिंग है, ये कुछ पासवर्ड से रिलेटेड एरर बता रहा है। और आप इसे, और ये देखिए ये हमारा खुद का जनरेट किया हुआ मैसेज भी है। अगर आप इसे सप्रेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर @ सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं इसे, मैं इसे फिर से एरर ला देता हूँ। और ये देखिए ये सिर्फ हमारा मैसेज प्रिंट कर रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि @ का यूज़ क्यों करते हैं, ये एक्स्ट्रा एरर को सप्रेस कर देता है। हो गया, चलिए इसे फिर से ठीक कर देता हूँ।
और हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और इसे इंक्लूड कर चुके हैं हम। ठीक है, तो चलिए अब डेटाबेस का सारा नाम को हम प्रिंट करते हैं। उसके लिए मुझे क्वेरी करना होगा, क्लिक करके एक वेरिएबल बना लेते हैं डॉलर क्वेरी नाम से और सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम, और मेरा टेबल का नाम यूजर्स है। ठीक है, और इसे क्वेरी करने के लिए लिखते हैं माई स्किल क्वेरी। सबसे पहले उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, मैं इसे नाम रिजल्ट दे रहा हूँ माई स्किल क्वेरी, और ये एक पैरामीटर लेता है डॉलर क्वेरी जो मुझे क्वेरी करना है। हो गया, और इसे फेच करते हैं व्हाइल डॉलर रो इक्वल्स टू माई स्किल फेच स्टॉक। इसके अंदर लिखते हैं डॉलर रिजल्ट जो क्वेरी हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट है जो हमारे डेटाबेस से सारा नाम को सिलेक्ट करेगा। तो चलिए इसे मैं चेक कर लेता हूँ, जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप इसे तुरंत चेक कर लें। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। जैसे आप एसक्यूएल पे क्लिक करें और ये बॉक्स में उस डेटा को पेस्ट कर दें और सेमी कॉलन ही देना है और गो, और ये देखिए हमारा सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मतलब हमारा क्वेरी सही है। तो ये स्टेटमेंट को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसे क्वेरी यहाँ पे करा रहा हूँ। तो चलिए, इसे डेटा को फेच करने के लिए एक एक करके ये इटरेट होता है डेटाबेस से और डेटा को फेच करेगा, इसलिए हम व्हाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं। या और ये एक एक डेटा को इस वेरिएबल में एक एक करके स्टोर करता जाएगा, और इसका यूज़ हम डेटा को फिर से फेच करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, MySQL फेच एसॉक। एसॉक का मतलब एसोसिएटिव एरे होता है जो की और वैल्यू दोनों रखे रहता है। ये दो तरह का बेसिकली एरे होता है, आप लोग जानते ही होंगे बेसिक PHP ट्यूटोरियल में। एसॉक मतलब एसोसिएटिव एरे होता है और एक होता है इंडेक्स एरे। तो आप यहाँ पे MySQL फेच एसॉक का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसे इको करते हैं, इको डॉलर रो, क्योंकि एक एरे बन चुका है इसलिए इसके अंदर हम की डाल सकते हैं। की में कॉलम का नाम लिखते हैं नेम डॉट, और इसे कंकैट कर देते हैं ब्रेक। हो गया, और इसे चेक करते हैं और ये हमारा सारा नाम को लिस्ट आउट कर देगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारा डेटाबेस का नाम हमारा यहाँ पे लिस्ट आउट हो गया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे आगे और क्या करते हैं।